So, hello Pokemon fans, welcome back to the new gameplay of Pokemon Sunflower Skies. तो पिछली बार हम Pewter City में ही पहुंच गए थे. I think ये Pewter City ही है. अगर Pokemon Fire Red के हिसाब से चले तो अभी इस सिटी का नाम पता कर लेते हैं. तो ये सिटी है Pewter City ही. तो पिछली बार हम जिम मुकाबले में हार गए थे, लेकिन अब हम जिम मुकाबला करने वाले हैं फिर से. उससे पहले जो लोग नए हैं जल्दी से जल्दी चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और देख लीजिए हमारा पोकेमॉन. तो हमारे सारे पोकेमॉन 15 लेवल के हो गए हैं और पिकैचू 18 लेवल का. अगर आपको पिकैचू पकड़ना है तो ये यहाँ घूम रहे हैं 18 लेवल के पिकैचू. इन्हें कैच कर लेना, बात करते ही आपसे लड़ने लगेंगे. और हाँ, मेरे बाकी सारे पोकेमॉन के लेवल भी ऐसे ही बढ़े हैं. मैंने यहाँ से थोड़ी ट्रेनिंग की, एक एक पिकैचू को हराया और मेरे लेवल बढ़ते गए. और जिम के सामने जो म्याउ है ना, वो भी 17 लेवल का है. तो मतलब इससे भी आप बात करके लड़ाई करिए, लेवल बढ़ाइए और ये म्याउ दोबारा आ जाएगा. तो इस गेम में बढ़िया ही कर दिया इसने. मैं कह रहा हूँ पिकैचू से हराने से अच्छा आप म्याउ को हरा दोगे तो आपके लेवल बढ़िया बढ़ेंगे, क्योंकि म्याउ अटैक ही नहीं करता, सिर्फ स्क्रैच अटैक करता है, हो गया. बाकी उसके पास अटैक ही नहीं है. और पिकैचू तो क्विक अटैक से आपको हरा भी देगा. तो अलोला, स्वागत है तुम्हारा हमारे जिम में. हम मैं जिम लीडर इस शहर के. क्या तुम मुझे चैलेंज करने आए हो? हाँ, तो क्या मैं यहाँ लड्डू पेड़ा खाने आया हूँ? ओके, मेरा नाम है ट्रिम लीडर. तो ओ भाई साहब, टोरोस. तो अभी टोरोस को हराना हमारे लिए बाएं हाथ का नहीं बल्कि अंगूठों का खेल है, क्योंकि गेम तो मैं उंगलियों से नहीं अंगूठों से खेल रहा. ढैन ओ टेलीवेव, इससे क्या ही होगा टोरोस. तो चलो मैं एनिमी के हिसाब से चलता हूँ. स्कॉटल यूज वाटर गन. स्कैटल ओ स्कॉटल, वाटर गन का उस पर हमला करते रहो. स्कैटल ओ टोरोस ने तो हॉर्न अटैक कर दिया, फिर से वाटर गन. ओ नहीं स्कॉटल. तो भाई साहिल साहिल का स्कॉटल हार चुका है, यानी जिम लीडर को मिलते हैं एक पॉइंट. कोई बात नहीं, अब मेरा दूसरा पोकेमॉन है राउलेट. जाओ राउलेट, यूज लेजर लीफ. जिम लीडर का टोरोस हार चुका है, यानी साहिल को मिलता है एक पॉइंट. ओके, अब उसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है? क्यूबॉन. ठीक है, क्यूबॉन के लिए भी लेजर लीफ. राउलेट क्यूबॉन. राउलेट जिम लीडर कर रहा हूँ, क्यूबॉन हार चुका है, इस मैच को जीत लिया साहिल ने. ओ पैलेट टाउन, तुमने कमाल ही कर लिया साहिल. ये लो वर्ल्ड बैच, इससे तुम. और ये रहा फ्लैश. ओहो भाई साहब, हमारा राउलेट तो विकसित हो रहा है. कांग्रेचुलेशन, ये राउलेट विकसित इन डिस्ट्रिक्स. वाह, कमाल ही कर दिया तुमने. ये लो टेक्निकल मशीन, इससे तुम पोकेमोन को अटैक दे सकते हो. ओके, तो मजा ही आ गई दोस्तों, हमारा राउलेट विकसित हो चुका है. और क्या कहते हैं, ये सरूलियन सिटी में जाने को कह रही है. तो स्कॉटल की हालत भले ही ख़राब हो, हम जल्दी से उसे पोकेमॉन सेंटर में इलाज कर दें. ये नहीं कि खुशी के मारे हम स्कॉटल को भूल जाएं. तो चलो 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 जल्दी से ना जाओ स्कॉटल, मतलब ठीक कर दो. तो सबसे कमज़ोर अभी स्कॉटल ही है, तो मुझे लगता है कि उसे वॉर टर्टल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पोकेमॉन विकसित होते ही ताकतवर हो जाते हैं. ये लड़का अभी भी यहाँ क्यों खड़ा है? इससे बात ना ही करूँ तो बेहतर है, क्या पता ये गेम रोक दे. वो देखो प्रोफेसर एड्स खड़ा है. ओहो, वैसे यहाँ आधे लोग रुके हैं ना, तो मेरे को डर लगती है कहीं ये सब गेम रोकने के लिए तो नहीं रुके हैं. ओ किधर जाता है बच्चा? वरीडियन फॉरेस्ट जा रहा है, पहले वहाँ के पोकेमॉन तो देख ले. अरे वाह, अरे हाँ, वरीडियन फॉरेस्ट में पिकैचू मिलता है, सही जगह. तो मिलियो मेरे पिकैचू से. पिकैचू एक तरफ है 8 लेवल का पिकैचू, एक तरफ है 18 लेवल का पिकैचू, तो कौन ही जीतेगा ये मैच? हमारा पिकैचू एक लड़की है, मुझे लड़की पिकैचू मिला है. वो सामने सब लड़के पोकेमॉन आ रहे हैं. वैसे जेंडर से मैच नहीं करता. ओ यार, ये श्रीमिस तो पिकैचू की हालत टाइट कर देगा. रुको, ये श्रूमिस चुन रहा है. अच्छा, रोला तक तो है. मैं भी ना,
जब पोकेमोन स्टार्टर देख के मैं कैसा चौंक रहा हूँ, मैं भी हॉइंग रीजन का पोकेमोन था वो। तो दोस्तों अभी के लिए मैं इन सब से बच रहा हूँ, फिर बाद में मैं ट्रेनिंग कर लूँगा या फिर मैं पहले इन सब से बैटल कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो ठीक है, मैं इनसे बैटल करके आपसे मिलता हूँ आगे। तो दोस्तों ये सीन दिखाना ज़रूरी था कि हमारा स्कॉटल हो रहा है विकसित, वॉट टोटल में काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग हो रही है अभी। तो मैं जैसे ही इन सब से लड़ लेता हूँ आपसे मिलता हूँ आगे। तो दोस्तों मैंने ट्रेनिंग कर ली है, लेकिन अगर आप भी ट्रेनिंग करने वाले हैं तो उससे पहले ये ज़रूर सुन लीजिए मेरे इस गेम में, तो इस प्रोफेसर से बात कर लेना क्योंकि आपका पॉकेट ऐसा अपग्रेड कर देगा और भी। तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओ मैंने तो इससे बैटल कर ली थी, मैं आपको दिखाने वाला था वो यही था कि भाई यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आपको मियाओं से और लड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के पोकेमोन मतलब इन सब के पोकेमोन लेवल देख के आप तो खुद ही हैरान हो जाओगे। देख रहे हो 27 लेवल के, और यही नहीं आगे तो 30 लेवल के चुन रहे हैं जो कि हमारे सारे पोकेमोन को एक ही बार में धटपटक रहे हैं। तो लेवल अप कर लेना भाई, तभी इन सब से जीत पाओगे। मैंने तो नहीं किया, तो मैं भी स्टार्ट करूँगा। और हाँ, अभी गेम में आगे बढ़ना है इसलिए आगे बढ़ूँगा और क्या। तो लगता है मुझे मैं गया। तो दोस्तों अब हम आगे जाएंगे, चलो इस तरफ। तो दोस्तों मतलब सबसे बच बच के जाना, किसी से बात नहीं करना। मैं आपको सीक्रेट रास्ता बता रहा हूँ, अगर आप मेरी तरह ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, मतलब ट्रेनिंग तो करना ही पड़ेगा, नहीं आगे और हाई लेवल पर आएंगे। ये देखिए बचते बचाते हम आ चुके हैं आगे, और यहाँ पे भी एक बैटल करने वाला रहता था पर वो नहीं है, अच्छा हुआ। ओह हो, ये क्या है यार, सर्फ करके आगे जाने का रास्ता। आई थिंक यहाँ कोई ना कोई लेजेंडरी पोकेमोन ज़रूर होगा, मे बी फ्यूचर में मिले। ओ हाँ, रास्ता ही बदल दिया गया है। अरे कुछ नहीं, लगता है यहाँ पेड़ उग गए हैं बस। तो चलो चलते हैं पोकेमोन सेंटर, और अब हम जाने वाले हैं एम्प्टी मून के अंदर बिना किसी रोक टोक के। कोई नहीं रोकेगा, अगर यहाँ के पोकेमोन हाई हुए तो फिर ट्रेनिंग करके मिलते हैं अगली बार। एम्प्टी मून तो सेम टू सेम वैसे ही है, जू बैठ देख रहे हो, उड़ते हुए दिख रहे हैं, फिर भी यहाँ नीडोरैन रास्ते में मिल रहे हैं। तो मैं आपको मस्त एक एक अटैक लेना दिखाऊंगा। ओहो, चांद जमीन पर गिर पड़ा। जू बैठ पैरालाइज है, तो मैं ही सबसे ना बाद में बैटल कर लूँगा। चल जुट्टा सच्ची, जी हाँ मैं सच बोलता हूँ, पर मैं अभी आप सभी को डायरेक्ट। ये कौन सा पोकेमोन है यार, व्हाट हुआ, ये तो फेक मोन है, फेंको वहाँ। तो लगता है इस गेम में फेक मोन भी भरे पड़े हैं। हाँ उसमें लिखा तो था, ओहो हमारी टक्कर होने वाली, इससे पहले मैं यहीं रुक जाता हूँ थोड़ा। यस बच गया, हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं बाद में बैटल कर लूँगा। वो यहाँ कोई नहीं है, उर्रे। तो चलो चलते हैं डायरेक्ट हम, यहाँ की पॉकी बॉल भी नहीं है लगता, वही उठा के भाग गया। पेरिस बेटा पेरिस, तुम यहीं रहते हो क्या, नहीं हटो जू बैट, हट जू बैट, हटता है कि नहीं, वहीं हट जाता हूँ, ये तो हटेगा नहीं। ओ अभी चांद गिरा था, अब सूरज ही गिर गया। ये ढेंडर है, तो उस तरफ पॉकी बॉल है कि नहीं, अरे वाह कोई नहीं उठाया, मैं उठा लेता। ओहो हो, इतना बड़ा पत्थर इसके हाथ कहाँ से आ गए। वो जी डे, वो इससे बचने के लिए मेरे पास एक मस्त तरीका है। भागो रे बिच्छू आगे, बच गया मैं, तालियां। तो दोस्तों अब हम आगे भागने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे बिच्छू ही बिच्छू हैं, जो कहीं काट दिए तो हो गए काम खत्म। भागो भागो बिच्छू आगे बिच्छू, फिर से पथरा जिसके दो हाथ हैं। ये भाई मिल टैंक, इससे बात कर देखूंगा, पर मेरे को लगता है ये लोग गेम रोकने वाले हैं, इससे पहले गेम ज़रूर सेव कर लेना चाहिए। हेलो मिल टीम, ओहो हो एक मिथिकल पोकेमोन रास्ते में डाला मिल रहा है, पर मैंने जैसा कहा था कि हमारी टीम होगी पोकेमोन यूनाइट वाली, इसलिए अलविदा मिल टीम। ये क्या, ये मान ही नहीं रहा है जाने को, मान जा भाई, चलो मान गया। यहाँ तो मिल टैंक रास्ते में डले हैं, ये जाने देगा ना आगे। अरे वाह ये तो आगे जाने दिया, इस गेम में आगे बढ़ना तो ही आसान ही था। अरे
रास्ते में फिर से पैरिस डाला मिल गया। अरे 5 नहीं 10 लेवल का है इस बार, मतलब इसमें कोई ही रोक टोक नहीं है। वाओ, और यहाँ वो भी नहीं था, कुछ है ही नहीं। चलो आगे चलते। ओहो हड्डी वाला पोकेमॉन, अरे भाई रास्ते से हटना जरा। वाओ, ओह ये दोनों यहाँ खड़े हैं। चलो कौन सा अटैक मारूं, अटैक दे दो दान में। हा हा हा, अटैक चाहिए, एक मुक्का मारूंगा दोनों। नहीं मेरे को नहीं पोकेमॉन को, अरे पिकाचू भी कर सकता है, पिकाचू दे देगा, उसके पास अटैक ही नहीं है कुछ। मेगा पंच, तो अब पिकाचू अपना मेगा पंच मारेगा। अब मेगा किक शायद वॉट टर्टल ले ले। चलो मेगा किक ले ले, मेगा किक दे दो भैया। क्या अभी मेरे भाई से अटैक लिया, मेरे से ले पहले किक।